हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो F27 प्रो 5G डिवाइस के अंदर आप पेमेंट प्रोटेक्शन कैसे लगाएं। दोस्तों, आप अपने फोन में पेमेंट प्रोटेक्शन कैसे इनेबल करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन रखते हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं दोस्तों, लेकिन जो आपका पेमेंट वाला एप्लीकेशन है वो आपके फोन में सेफ है कि नहीं है, ये चीज आप अपने फोन में कोई सिक्योरिटी नहीं लगाते। वहां पे लगाते भी है तो ऐप लॉक लगाते हैं, फिंगर लॉक आप ऊपर से लगा लेते हैं, लेकिन आप अपने फोन के जरिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं कि जिससे आपका फोन आपके एप्लीकेशन को खुद सुरक्षा करे। तो उसके लिए भी आपके फोन में सेटिंग है, आप उसको एनेबल करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है उसको आपका जो फोन है वो खुद सुरक्षा करेगा या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका जो फोन है उसको पूरी तरह से चेकिंग करेगा कि ये सेफ है या नहीं है, या सिक्योरिटी उसको रखेगा। अगर किसी तरह का हैकिंग भी आपके साथ होता है तब भी जो आपका फोन है आपका कुछ ना कुछ जरूर मदद करेगा और उसमें उससे आपको बचाएगा और आपका जो सिक्योरिटी है वो इनेबल रहेगा, तो उससे आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आप अपने फोन में पेमेंट प्रोटेक्शन जरूर इनेबल करें, और कैसे इनेबल करना है, कैसे यूज करना है, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम यहां पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहां पे ओपन हो जाता है, और इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह का सेटिंग आ जाएगा, और थोड़ी सी नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम सिक्योरिटी, आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट प्रोटेक्शन, तो आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें पेमेंट प्रोटेक्शन लगाना है तो हमको इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद इस तरह से आपके फोन में आ जाएगा कि इस तरह से आपके एप्लीकेशन को कितना सिक्योरिटी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे ऐप सिक्योरिटी है, आप इसको ऐप सिक्योरिटी में इनेबल करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा आपका जो पेमेंट वाला एप्लीकेशन होगा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेजोन, एक्सिस मोबाइल, गूगल वन, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो हमारे एप्लीकेशन है यहाँ पे आ रहे हैं, ये पेमेंट वाले एप्लीकेशन है। तो इसको सेफ रखने के लिए यहाँ पे ये सारे बटन इनेबल हैं, तो इस तरह से आप भी अपने फोन के जो ये सारे बटन हैं आपको इसको इनेबल रखना है। तो इस तरह से आप इसको इनेबल करेंगे, इस तरह से इसको हम एक बार ऑफ कर दे रहे हैं, इस तरह से आपको इनेबल करना है। अब ये इनेबल है तो एक बार हम इसको ऑफ भी करेंगे, इसके बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या सिस्टम देता है ये चीज हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक्सिस मोबाइल का ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से एक्सिस मोबाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हमारे फोन में यहाँ पे एक्सिस मोबाइल है, हम इसको यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई स्क्रीन पे हमारे सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको एक बार हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम फिर से सेटिंग में आते हैं और इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं। इसके बाद अपने स्क्रीन पे आते हैं, फिर से जो हमारा एक्सिस मोबाइल ऐप है हम उसको फिर से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे बैटरी का ऑप्शन आता है वहीं पे सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पे चेकिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे एक सिंबल भी बन के आ जाता है, जैसे डॉलर का सिंबल आता है उसी तरह से सिक्योरिटी का भी सिंबल यहाँ पे एक छोटा सा बन के आ जाता है, आप देख सकते हैं। और इससे क्या होता है जो आपका एप्लीकेशन है सेफ रहेगा, ये आपका फोन जो है आपके एप्लीकेशन को सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आप इसको इनेबल करके अपने एप्लीकेशन को सेफ रख सकते हैं, और आप अपने जितने भी पेमेंट वाले एप्लीकेशन हैं उनके जो पेमेंट प्रोटेक्शन सेटिंग है उसको जरूर इनेबल करें। हम अपने फ़ोन में इनेबल किए हैं, आप भी अपने फ़ोन में उसको इनेबल रखें ताकि जो आपका पेमेंट वाला एप्लीकेशन है बिल्कुल सेफ रहे। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में पेमेंट प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।